आप देख सकते हैं शौकीन हजरात, इसको जी पटेले चप कहते हैं। ये देखें ये कलियाँ, इसका पर पूरा सफेद है जी, वाइट फिर इसकी कलियाँ रेड हैं। ये देखें जी माशाल्लाह जी, ये देखें जी इसके दूसरे पर की तरफ सफेद और रेड वैसे ही, और टेल जो है इसकी ये देख सकते हैं बिल्कुल रेड है, कोई कली इसमें बिल्कुल वाइट नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त अदील बलोच जी, आज हम आपको कबूतर की एक और नस्ल के बारे में गाइड करेंगे जिसको शौकीन हजरात पटेले के नाम से जानते हैं। माशाल्लाह हमारे पास एक बहुत ही अच्छा पटेलों का पेयर है लाल कलर में, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपको आज वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास कंफर्म ब्रीडर पेयर होते हैं, ब्रीड भी होती है, और अभी वो जो हम आपको पेयर इस वीडियो में दिखाने वाले हैं उसने ब्रीड भी की हुई है, जिसकी ब्रीड हम सेल कर चुके हैं, अभी उसने दोबारा अंडे दिए हुए हैं, और कितने दिन के अंडे हैं ये भी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं जी। टोटल वीडियो में डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है जो दोस्त हजरात मेरे शौकीन अभी इस टाइम मेरी मौजूदा वीडियो देख रहे हैं, स्क्रीन पे मौजूद हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो चले मैं आपको अब पेयर दिखाता हूं। आ जाए जी, मैं आपको अभी पेयर जो है ना दोस्त शौकीन हजरात कहेंगे जी इन्होंने ये कैसा निज़ाम कैसा सिस्टम बनाया हुआ है जी, ये आप देख सकते हैं। इसके भी मैं आपको बताता हूँ, ये अब ईंटें रखी हुई हैं जी मैंने, ये ईंटें मैंने कुछ दिन पहले रखी थी। ये हमारा मेल अभी अंडों पे होगा, एक मैं इसको भी निकाल देता हूँ, वो दोनों मेल फीमेल चले गए। यहाँ पे मौजूद अंडे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, आपको नज़र आ रहे होंगे अंदर दो एग्स पड़े हैं, दो दिन बाद इनमें से बच्चे निकल आएँगे, 20 डेज इनको कम्प्लीट हो गए हैं। तो ये मैं दोबारा इनकी ईंटें भी रख देता हूँ और आपको पेयर दिखाता हूँ। तो वैसे मेरा एक छोटा सा सवाल है तमाम हजरात से कि जिन जिन दोस्तों ने ब्रीडिंग के लिए ये सेटअप बनाया हुआ है उनके लिए ये एक अहम इम्पोर्टेंट बात है कि परिंदे को आज़ाद छोड़ दें तो वो अच्छी ब्रीड देगा। अगर आप उसको अपनी जगह पे कहेंगे कि डिसाइड करेंगे मैं जी इसको इस जगह पे रखना चाहता हूँ तो इसी जगह पे ये ब्रीड करें, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों, वो आप नहीं करें। ब्रीडर पेयर जो आपका है आप उसको आज़ाद छोड़ दें, क्योंकि हमेशा ब्रीडिंग अच्छी ब्रीडिंग परिंदा तब कर पाता है जब वो एक आज़ाद अपनी जगह बनाता है, क्योंकि आज़ाद होता है। तो अभी ये देख सकते हैं मेरे पटेलों के पेयर ने जी इधर अंडे दे दिए हैं, मैंने इनको कोई डिस्टर्बिंग नहीं की, मुझे पता था इन्होंने जान दे देने हैं, तो मैंने इनकी एक हदूद बना दी है ईंटे रख के, एक प्यारा से इनका सेपरेट माहौल कर दिया है कि ये आप यहाँ पे सुकून से इजीली ब्रीड कर सकें। तो मैं अभी आपको जो है ना अपना पेयर दिखाता हूँ दोस्तों। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं शौकीन हजरात, इसको जी पटेले चप कहते हैं। ये देखें ये कलियाँ, इसका पर पूरा सफेद है जी, वाइट फिर इसकी कलियाँ रेड हैं। ये देखें जी माशाल्लाह जी, ये देखें जी इसके दूसरे पर की तरफ सफेद और रेड वैसे ही, और टेल जो है इसकी ये देख सकते हैं बिल्कुल रेड है, कोई कली इसमें बिल्कुल वाइट नहीं होगी। और माशाल्लाह जी ये बहुत हैवी साइज पिजन है हमारे पास। अदील भाई क्या ये इनकी फर्स्ट ब्रीड है? नहीं माशाल्लाह, हमने इनकी पहली ब्रीड फिल कर दी है, तो दो दिन तक इनकी चिक्स आ जाएंगे और इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके चिक्स की भी वीडियो दिखाएंगे। और ये है कि अब टोटल 22 दिन बाद बच्चे निकलते हैं चिक्स, दोस्तों को जिन हजरात को पता है ठीक है, अगर जिनको पता नहीं है जो दोस्त हमारे न्यू शौकीन हजरात हैं उनके वो मैं ये बताता जाता हूँ कि 22 दिन बाद इनमें से बच्चे आ जाते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, 20 दिन 22 दिन कबूतर अंडों पे बैठते हैं, उसके बाद इनके अंडों में से बच्चे आ जाते हैं जी ठीक है, उसके बाद ब्रीड अच्छी आती है हमारे पास। तो ये दिखे जी माशाल्लाह, ये जी हमारा मेल है कन्फर्म ब्रीडर,
और बहुत हेल्दी देखें जी। इसकी फ्रंट साइज देखें जी, माशाल्लाह रेड है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, देख सकते हैं आप। अदिल भाई क्या आप इसका फीमेल भी दिखाएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको इसकी फीमेल दिखाऊंगा, वो ज़रा इससे डिफरेंट होगी क्योंकि हम हमेशा अच्छी ब्रीड के लिए अच्छी चीज़ लेते हैं, तो हमें ये पता है कि इसका क्रॉस इसके साथ कैसी अच्छी ब्रीड दे सकता है। जिन दोस्तों को ब्रीड के बारे में मालूमात लेनी होती है तो वो हमारे पास कमेंट्स में लाजमी पूछ सकते हैं, उनको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा मेरी मर्ज़ी पे वो दोस्त जो पेयर बनाएंगे और इंशाल्लाह उसमें से अच्छी ब्रीड लेंगे और उसको सेल करके अच्छा बेनिफिट भी ले सकते हैं, जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी टिप्स हैं। ये जी हमारे पास इसका मेल था और ये हमारे पास फीमेल है, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। माशाल्लाह जी ये हमारे पास इसकी फीमेल है मादा, दिल भाई जो आपने अभी अंडे दिखाए थे, जो दो अंडे दिए हुए हैं वो इसी फीमेल ने दिए हुए हैं? जी जी बिल्कुल इसी ने ही दिए हुए हैं, इसके भी देख सकते हैं जी पर कटे हुए हैं, इधर इधर ये देखें पर, देखें पर 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 देखें पर, देखें पर तो ये देखें जी हमारे पास इसकी फीमेल पटेला चाप की जो है, ये देखें उससे काफ़ी डिफरेंट है, ये देख रहे हैं इसके उसका पर पूरा यहाँ तक वाइट था, वो मेल जो था काफ़ी वाइट कलियाँ उसकी ज़्यादा थी यहाँ तक, वो चप बना हुआ था, ये चप नहीं है, सादा फीमेल जो है वो सादा है, इस साइड से भी आप देख सकते हैं वैसे ही है, ये देख सकते हैं आप इसकी कलियाँ देखें जी माशाल्लाह बहुत प्यारी, और टेल भी देख सकते हैं माशाल्लाह मेल की तरह है बिल्कुल रेड, कोई कली वाइट नहीं होगी जी। फ्रंट दिखा देता हूँ मैं शौकीन हजरात को जी इसका, माशाल्लाह जी इसका फ्रंट देखें जी, ये देखें जी इसकी गुलाई वाइटनेस की, और माशाल्लाह जी ये हमारे पास बहुत अच्छी और ब्रीडर फीमेल है। तो जैसे ही दोस्तों इनके चिक्स आएंगे, शौकीन आजाद को मैं इनका क्रॉस दिखाऊंगा कि मेरे बनाए हुए पेयर में से क्या आता है, इंशाल्लाह वो वीडियो जो इनके चिक्स होंगे जैसे ही आएंगे उनकी वीडियो मैं शेयर करूंगा, तो वो भी इंशाल्लाह आप सब दोस्तों तक पहुंचेगी। अगर ये वीडियो मेरी आप दोस्तों को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, आपका दोस्त अजीज़ बलोच, अल्लाह हाफ़िज़।